सुबह बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि के तीन प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। अच संधि इसलिए कहते हैं, जो माहेश्वर सूत्र है उसमें आ से लेकर के चार तक सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए इसको अच संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? स्वर संधि जहां स्वर का स्वर से मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हम इसके बाद की जितने माहेश्वर सूत्र हैं, हर गण गण अयम गणम धवय गण जब गण थप चटक चटतो कपस्थर हल, तो हल तक ये पूरा जो है व्यंजन आ जाते हैं। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल इसे विसर्ग संधि कहते हैं। हम पढ़ते हैं आज स्वर संधि। स्वर संधि के आठ प्रकार हैं: एक दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन वृद्धि संधि, अयाचित संधि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ाया गया अयाचित संधि, अयाचित संधि क्या है? इसका सूत्र है एचओ अयवा यावा। एचओ अयवा यावा, एच का मतलब होता है ए से लेकर के चार तक। एच से लेकर के चार तक कौन सा है? ए ओ, हलंत जिसमें लगा होता है वो नहीं लिखते हैं, ए और ओ। ये लिख लीजिए यहाँ पर ए ओ ए ओ के बाद असमान स्वर आने का। असमान का मतलब होता है कोई भी स्वर आ जाए। आ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। तो आ ए के बाद असमान स्वर आता है तो ए की जगह पर ए का आदेश होता है। ओ के बाद असमान आता है तो औ का आदेश होता है, ए की जगह पर आय का आदेश होता है और ओ के जगह पर औ का आदेश होता है। तो अयाचित संधि की परिभाषा क्या बनेगी? ए ओ ए औ के बाद असमान स्वर आने पर ए का ए, ओ का ओ, ए का ए, औ का औ हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे यहाँ पर लिख दिया है नयन, ठीक है। अब यहाँ पर निकल रहा है ए, तो यहाँ पर बचा हुआ है न। ए किससे बना हुआ है? ए बनता है ए से, तो ए की मात्रा इसमें हम लगा देंगे, ठीक। अब प्लस, अब इसमें क्या बचा है? क्योंकि ए इधर निकल चुका है, इसमें बचने की मात्रा अ की मात्रा बच रही है, तो आ और ना यहाँ पर क्या हो जाएगा? अन, ठीक। अब ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ने यानी न और ए है एक मात्रा, ए और आ मिलकर के क्या बन जाएगा? ये ए बन जाएगा, न या न, ठीक। इसी प्रकार से देखिए पवन, यहाँ पर औ निकल रहा है, ठीक। औ में क्या ध्यान देना है? औ किससे बनता है? ओ से बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पा और ओ की मात्रा इससे। फिर यहाँ क्या बचा? कौन सा शब्द बचा? आ बचा है और यहाँ पर ना बचा हुआ है, आ और ना, ठीक। पवन। इसी प्रकार से नायक में भी देखिए, नायक में क्या है? यहाँ आय निकल रहा है यानी बड़ा आ है, तो यहाँ पर क्या है? ना, ठीक। अब आय, आय किससे बनता है? ऐसे बनता है, ठीक। तो आय का मतलब इसमें आय की मात्रा लग जाएगी, ये दो आय की मात्रा हो गई। फिर प्लस, अब क्या बच रहा है इसमें? कौन सा? आ बच रहा है, इसलिए आ और का अब, ठीक, नायक। इसके बाद देखिए पावक, पावक में क्या है? आओ, आओ किससे बन रहा है? औ और आ, तो इसमें क्या हो जाएगी? पा, पा पे कौन सी मात्रा लगेगी? औ की। फिर क्या हो जाएगा? आ और का अग, ठीक, पावक। अभी हमने कहा था कि ए ओ ए औ के बाद असमान स्वर आने पर यानी कोई भी स्वर आ सकता है, तो देखिए यहाँ पर दूसरे स्वरों की भिन्नता आ जाएगी। जैसे भाव है, ठीक, अब इसमें क्या निकल रहा है? आओ निकल रहा है, क्या निकल रहा है? आओ, तो आओ से हम भिन्न हो जाएंगे, पहले देखेंगे आओ, आओ किससे बनता है?
ये औ और उ मिलकर के आ हो जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें भा, भा में मात्रा कौन सी लगेगी? औ की, फिर उ और का। जो स्वर बसता है उसको इसमें जोड़ते हैं, उ और का, उक। ठीक, भाव। इसी प्रकार से नाभिक में इसमें क्या हो जाएगा? ना ई निकल रहा है इसमें, तो इसमें औ। ठीक, फिर इसके बाद इसमें कौन सा स्वर है? ई। फिर इसका औ की जगह पर किसका आदेश होता है? आओ का। ठीक, इसमें जो मात्रा लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? छुट्टी की मात्रा, तो इसमें हो जाएगा आवे। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, नौ प्लस एक क्या हो जाएगा? नाभिक। इसी तरीके से है पवित्र, पवित्र में पा प्लस ओ की मात्रा और प्लस छोटी धन हो जाएगा, तो हो जाएगा ये पवित्र। ठीक है, तो ये हमारी अयाद स्वर संधि पूरी हो गई है। अब इसके बाद इसमें आप कम से कम नहीं तो हर एक का इसका 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 कम से कम 10 उदाहरण अपने आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए हम पढ़ाएंगे यण संधि। यण संधि में क्या है? इसका सूत्र है इको यणजी। इक, इक का मतलब होता है ई से लेकर के का तक। कौन कौन सुर आ गए? ई, उ, री और ऋ। देखिए ई, उ, री, ऋ के बाद असमान स्वर आने पर उसी तरीके से जैसे उसमें था उसी तरीके से इसमें भी है। असमान स्वर आने पर ई का या, उ का वा, री का रा, ऋ का ला, इसकी जगह पर आदेश होता है, मिलके बनते नहीं, आदेश होता है। जो स्वर होगा उसको इसमें हम मात्रा के रूप में जोड़ देंगे। अब जैसे देखते हैं इत्यादि, इसमें क्या है? या की जगह पर, या किसकी जगह पर आदेश होता है? ई की जगह पर। तो यहां पर ई हो जाएगा, या यहां से खत्म हो जाएगा। ई और हत्ता, इस पे छोटी मात्रा जोड़ देंगे तो हो जाएगा ई। फिर कौन सा स्वर बच रहा है? बड़ा और दी, क्या हो जाएगा? आदि। तो इसका विच्छेद क्या हो गया? विच्छेद ई प्लस आदि। इसी प्रकार से स्वागतम में, स्वागतम में वा, वा किससे बन रहा है? ऊ से। वा के जगह पर ऊ का आदेश हो गया, या धस्ता, इस पे छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, सु प्लस बड़ा बच रहा है, ये इधर हो जाएगा आगतम। ठीक, इसके बाद देखिए मात्रा क्या। अब इसमें रात नहीं दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है त्रा। तो त्रा किससे बनता है? आधा का और प्लस रा बराबर त्रा हो जाता है। ठीक, तो इसको हम अलग कर सकते हैं, इसका हमें विच्छेद करना है। तो रा किससे बनता है? वी से बनता है। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा मातृ। ठीक, प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। इसी प्रकार से लाकृति में ला को हमें संच्छेद करना है। ला किससे होता है? ली से। तो ली धन आकृति। ठीक, इस प्रकार से लाकृति। इसमें भी अन्य उदाहरण हो सकते हैं, जैसे प्रत्येक। ठीक, अब इसमें या तो है लेकिन मात्रा आ की जगह पर ए आ गया, तो यहां पर कोई भी आदेश, मैंने पहले बताया कि कोई भी स्वर का आदेश हो। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा प्रति। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा? एक। या के बाद जो स्वर बच रहा है वो ए है, ए इसमें जुड़ जाएगा, प्रति प्लस ए, प्रत्येक। इसी प्रकार से कह देते हैं प्रत्युत्तर। ठीक, अब इसमें भी वही हो जाएगा, प्रति प्लस छोटा ओ बच जाएगा और उत्तर। ठीक, तो इस प्रकार से यह दो संधि आज पूरी हो गई है। अगली संधियां इसके अगले भाग में बताएंगे। तो इसके सभी के यानी दोनों संधियों के 10 उदाहरण आप लिखकर कॉपी में परिभाषा